हाय नमस्कार, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सबका हल्द्वानी के इस खूबसूरत से शहर से। और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 11 और अभी मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर, और मेरे साथ में है दिन्नू। और दिन्नू पठौन पकड़ते हुए, जो गांव से लेते नहीं है पठौन, तो वो पठौन दिया है, तो वो पठौन लेके जा रहे हैं हम बड़ी मम्मी के घर। और बड़ी मम्मी लोग रहते हैं चौफुला में, तो अभी हम ऑटो लेंगे और उसके बाद चौफुला के लिए निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे ऑटो का वेट कर रहे हैं और कोई ऑटो अभी आ नहीं दिए, दिख भी नहीं दिए, बस बाइक वाले दिख रहे हैं। तो जब तक ऑटो नहीं मिलते तब तक मैं आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर का मौसम दिखाती हूँ, आज हल्द्वानी में कैसा मौसम है वो दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक छू। तो कुछ इस प्रकार है आज हल्द्वानी का मौसम, सॉरी मैं मुंशियारी बोलूँ, तो आज हल्द्वानी का मौसम कुछ इस तरीके से है, बादल भी हैं और कभी धूप कभी छाव वाला मौसम हो रहा है। यहाँ से तो उतना खास व्यू दिख नहीं रहा है, बस लोगों के घर ही दिख रहे हैं। कहाँ है अगरवाली? तो अभी एक ऑटो आ रही, देखते हैं वो चौफुला जाती नहीं जाती है, अभी पूछते हैं इन भैया से। ऑटो वाले भैया ने मना कर दिया, कह रहे थे कि वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो अभी हम और वेट कर रहे हैं, पता नहीं कितना वेट करना पड़ता है, देखते हैं। फाइनली ऑटो मिल चुकी है मुझे और जाते हैं, ठीक है फिर दिन्नू बाय। तो मैं ऑटो में बैठ चुकी हूँ और अभी जाते हैं बड़ी मम्मी के घर में और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। और आज मेरा हल्द्वानी में तीसरा दिन है। हाँ, इस वाली गली से अंदर ले जाओ। पहुँच चुकी हूँ और बड़ी मम्मी लोग के वहाँ पहुँचने के बाद मैं सबसे मिली, और सबसे मिलने के बाद चाय पानी हुआ मेरा, उसके बाद कपड़े अपने चेंज करके भाभीियों के साथ गप मारी थी और बड़ी मम्मी के साथ और बच्चों के साथ मैं बिजी हो गई थी, तो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। उसके बाद अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और आज मैं आपको बड़ी मम्मी लोग के घर का होम टूर कराऊंगी, हल्द्वानी में कैसा है उनका घर, तो आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ उनका घर। और सबसे मिलाने वाली हूँ बड़ी मम्मी के घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके घर है घर के, तो उनसे मिलाने वाली हूँ। फिलहाल छोटे वाले भैया तो नहीं है, वो अपनी ड्यूटी में है गढ़वाल में, तो अभी बड़े भैया आए हैं यहाँ पे, वो भी तेजम में है बट आजकल वो छुट्टियाँ में यहाँ आए हैं, हल्द्वानी आए हैं, तो उनसे सबसे मैं आज मिलाऊंगी। और छोटे बच्चों से भी, वो कब से मुझे बोले थे कि ब्लॉग कब स्टार्ट करो, तो वो भी खुश हो जाएंगे ब्लॉग में आके और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी एक और मेमोरी सेव हो जाएगी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, पहले तो आपको इन लोगों का घर दिखाती हूँ, फिर घर के मेंबरों से मिलाऊंगी, ठीक छो। तो हम आ चुके हैं बाहर पे और कुछ इस तरीके से दिखता है बड़ी मम्मी लोगों का घर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री विला में, यानी कि बड़ी मम्मी का नाम गंगोत्री है तो उन्हीं का घर है ये, तो हम कह सकते हैं गंगोत्री विला। तो ये है कुछ बाहर से ऐसा दिखता है इनका घर, अभी वो हाल फिलहाल में ही आए हैं, यानी कि उन्हें अभी 1 साल तक हो रहा है यहाँ हल्द्वानी में, तो अभी काम चल ही रहा है उनका घर का। और ये बड़ी मम्मी और मिस्टी और सृष्टि है, तो कुछ ऐसा है उनका घर हल्द्वानी में। सृष्टि गेट काम अभी भी चल ही रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये घर के काम के जो सामान होते ईंट वगैरह वैसे हैं। और तो अभी हम अंदर पर आ चुके हैं और यहाँ पे बड़ी मम्मी ने फूल भी बोए हैं। तो चलो दोस्तों अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर का रूम। तो ये है बड़ी मम्मी लोगों का ड्राइंग रूम और यहाँ पे सोफा वगैरह और बेड वगैरह इन्होंने लगा रखा है। तो लाइट ऑन करते हैं फिर दिखाते हैं आपको अच्छे से। सो गाइज, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इन्होंने अपने ड्राइंग रूम को सजाया है और यहाँ पे टीवी वगैरह और बीच में ये आर्च भी इन्होंने बना रखा है। और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर इन्होंने अपना घर सजाया हुआ है। अब ले चलते हैं आपको यहीं पे हमारे छोटे भैया लोगों का रूम है, तो अंदर ले चलते हैं। और ये हमारी भाभी जी है, भाभी हाय बोल दो। तो ये हमारी छोटी वाली भाभी है और इनके हस्बैंड मैंने बताया था आपको गढ़वाल में ड्यूटी में है, तो दिखाते हैं इनका घर, इनका रूम कैसा है। सारे बच्चों के यहाँ पे इन्होंने टेडी वेयर लगा रखे हैं क्योंकि इनकी एक छोटी सी बेटी है, अभी मैं आपको उनसे भी मिलाऊंगी।
छोटी भाभी का रूम दिखा के अब चलते हैं हम बड़ी भाभी लोगों के रूम में, ठीक है। तो उससे पहले ड्राइंग रूम से आगे क्या है तो वाला रूम दिखाते हैं। बड़ी मम्मी का रूम है, उससे ड्राइंग रूम के जस्ट सामने बड़ी मम्मी का रूम है, तो आपको बड़ी मम्मी का रूम दिखाते हैं, ठीक चुप। तो चलते हैं। ये रहा ये बड़ी मम्मी का रूम है, यहाँ पे बड़ी मम्मी सोते हैं और जस्ट इधर पे वहाँ पे मंकुश होता है, और यानी कि मेरा भतीजा, तो यहाँ पे मंकुश होता है। जाते हैं हम बड़ी भाभी के रूम पे, और ये रहा बड़ी भाभी का रूम। और तो यहाँ पे सारे बुक्स और मिस्टी के सॉरी सिस्टी के खिलौने हैं, और यहाँ पे इनका बेड है। रूम तो दिखा दिए हैं और अभी दिखाते हैं आपको किचन, ठीक है। तो चलते हैं किचन में। तो ये रहा इनका किचन, कुछ इस तरीके से इन्होंने किचन अपना बनाया है। और यहाँ पे है फ्रिज, दो तीन रूम में है, और लॉबी वगैरह पीछे भी है, तो वो अभी बन रहा है, काम चल ही रहा है उसमें। और जरूरत के लिए जितना इनको चाहिए था रूम अपनी जरूरत के लिए उतना इन्होंने बनाया है। तो इधर साइड को है जो इनका बन रहा है, तो यहाँ अभी काम चल ही रहा है, तो उजाला भी नहीं है अभी। फर्श वगैरह तो इनका कम्प्लीट हो चुका है, पत्थर इन्होंने बिछा लिया है, और बाकी ये काम अभी इनका चल ही रहा है, काम पे लगे हुए हैं लोग। और यहाँ पे इन्होंने, रुको मैं फ्लैश ऑन कर देती हूँ, और यहाँ पे इन्होंने मंदिर बनाया है, और कूलर भी है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका छोटा सा मंदिर इन्होंने यहीं पे बनाया है अभी। तो ऐसा है फिर कुछ बड़ी मम्मी लोगों का घर, सारा बिखरा बिखरा सा है सामान। एक रूम ये है, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको टॉयलेट बाथरूम है, और एक रूम यहाँ को भी है। तो यहाँ पे स्टडी रूम बना दिया, अभी रोहित पढ़ता है, क्योंकि बड़ी वाली दीदी का बेटा यहीं पर है, तो यहाँ पर वो पढ़ाई करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप वैप भी उन्होंने लगा रखे हैं, तो ये है। और यहाँ चलते हैं, आपको कुंडा खोलते हैं और यहाँ ले चलते हैं। तो ये है बरामदा, और बरामदा के इधर से देखो आप व्यू, काफ़ी सुंदर व्यू है, क्योंकि नीचे खेत है और यहाँ पे सारे लोगों ने केला वगैरह बोए हैं, तो कुछ इस तरीके से व्यू दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे इनका है बरामदा, तो यहाँ पे ये चांद का बर्तन है, मैंने आपको दिखाया मम्मी के ब्लॉग में कितने बार, ये चांद का बर्तन है, तो इसी में धन लगाते हैं, तो ये धन वाला बर्तन है। कहते हैं ना दोस्तों, अपना काम काज कहीं भी जाओ भूलना नहीं चाहिए, अपने रीति रिवाज ही कह सकते हैं फिर उसको, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है वो पहले से ही चलता आ रहा है, आपको मैंने बताया है, तो वो बिजनेस हो गई यहाँ पे भी आके कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इन्होंने धन बनाया। आपको घर वर तो दिखा दिया है, अब मिलाते हैं आपको घर के मेम्बरों से, कितने लोग हैं ये और कौन कौन घर में रहते हैं, तो आपको उनसे मिलाते हैं, ठीक जो। तो चलो बाहर और सबसे मिलाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सृष्टि है, और ये बड़ी वाली भाभी है। हेलो, हाय भाभी जी। तो ये बड़ी वाली भाभी है हमारी, और जो मैंने आपको बताया था तेजम में टीचर है, तो उनकी वाइफ है, और ये है उनकी बेटी, छोटी वाली बेटी है, इसका नाम है सृष्टि। सृष्टि हाय बोलो। हाय बोलो। और मेम्बरों से अभी मिलाते हैं, क्योंकि वो थोड़े सा बाहर पे उनका काम है, तो वहाँ पे गए हैं, तो अभी मिलाते हैं आपको, ठीक है। मेरे बुआ की चैनल कमेंट करो। अभी मैं आपको बड़ी मम्मी से मिला रही हूँ, तो ये है बड़ी मम्मी, हाय बोल दो बड़ी मम्मी। हाय हाय। हाँ, तो ये है बड़ी मम्मी, और मैं इन्हीं के घर में आई हूँ। तो आपको भाभी से, सृष्टि से और बड़ी मम्मी से मिला दिया, और भाभी छोटी वाली भाभी से भी मिला दिया था, उनकी बेटी से अभी नहीं मिलाया, तो अभी हम जा रहे क्योंकि वो अभी घर पे नहीं है, मिस्त्री को घूमना था, तो वो मिस्त्री को घुमाने ले गए हैं, और अभी हम चल रहे हैं छत में, और दिखाते हैं आपको छत से हल्द्वानी कैसा दिखता है, हल्द्वानी का नज़ारा दिखाते हैं, और छत में जो भी उनसे मिलाते हैं, ठीक चुप है। हम छत में आ चुके हैं, और ये है रोहित, ये मेरी बड़ी वाली दीदी का बेटा है, और इनका भी चैनल है स्टडी विथ रोहित करके इनका चैनल है, तो प्लीज़ गाइज इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अब मिलाते हैं आपको मंकू से, तो ये है बड़े वाले भैया का बेटा। तो बताओ मंकू, अपना अच्छे से नाम बताओ। माय नेम इज अरुण कुमार, आई स्टडी इन क्लास 4, माय स्कूल नेम इज क्विंस पब्लिक स्कूल, थैंक यू। दादा भी आए हैं घर पे छुट्टी में। तो ये हैं बड़े वाले भैया, छोटे वाले भैया तो नहीं है, और आप सृष्टि से तो मिल ही चुके हो, तो ये है सृष्टि। सृष्टि क्या कर रहे हो, खेल रहे हो? अच्छा,
तो यहाँ पे इनका बैडमिंटन चल रहा है अभी, तो यहाँ पे खेल रहे हैं लोग। बैट को सबसे मिला दिया है, बस छोटी भाभी से ही मिला ही दिया है वैसे, और मिस्टी रह गई है, तो अभी मिस्टी से अभी मिलाएंगे आपको। तब तक आपको मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, यहाँ बड़ी मम्मी के घर से हल्द्वानी शहर कैसा दिखता है। तो अभी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, इस तरीके से दिखता है यहाँ से हल्द्वानी। दिख तो पूरा नहीं रहा है, बट यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। मौसम भी अभी बिल्कुल अच्छा हुआ है, आजकल तो ठंड मतलब मौसम सही है, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा हो रहा है मौसम। और जिससे बिल्कुल हरियाली देखने को मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है मौसम। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा है इधर को, तो उतना गर्म नहीं लग रहा है इधर को। से नहीं मिलाया था, मतलब मिलाया तो था लेकिन अच्छे से नहीं मिलाया था। तो ये है छोटी वाली भाभी, करो भाभी अभी ये छोले बना रहे हैं। अच्छा, शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं भाभी अभी। तो क्या क्या बनने वाला है आज खाने में? छोले, रोटी और चावल। अच्छा चलो फिर आज भाभी के हाथ का खाएंगे। भाभी थैंक यू ब्लॉग में आने के लिए, बाय बाय। किसे नहीं मिलाया था हमने, तो मिस्टी अभी आ चुकी है घूम के, और ये है मिस्टी रानी। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, और अच्छे से हेलो मिस्टी। और फ्लैंकिस भी कर दो ना। हाँ, और क्रीम पाउडर घसने के लेने भी कर दो, क्रीम पाउडर घसने के लेने, क्रीम पाउडर। और उसके बाद लेखी 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 मेले लेखी हाली तेरे नाम कटैटू, और चिरा दे ये। अरे वाह, चिराती भी, और क्या करती है ये? पा कर दे, पा कर दे, हेलो बोल दे, बुआ बोल दे, बुआ बुआ बोल दे, बुआ बोल दे, ए हो कर दे, हो ये हो हो। ये देखो कैसा चिराती है, ये देखो क्यूट सी बेबी को देखो। दोस्तों आपने देख लिया है मिस्टी के ड्रामे, कितना ड्रामा क्वीन है मिस्टी हमारी, बहुत से मुंह बना देती है वो, चिराने वाला और गाने वाला, तो बहुत टैलेंटेड लड़की है। तो दोस्तों अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, और बाहर पे अंधेरा भी हो चुका है, और अभी हम छत से नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा बन चुका होगा, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉग बना रही हूँ। तो कल मिलते हैं आपको नई सुबह में नए ब्लॉग के साथ। आई होप सो आपको ये ब्लॉग पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाइए। तो दोस्तों मैं सीमा आप लोगों से विदा लेती हूँ, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय दोस्तों।